तू जाके सिल्की को संभाल, सब यहाँ पे आएंगे, मैं जाके डब्बा उड़ा दूंगा। ओके संभाल के चल। आ रही हूँ। क्या है, क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्यों सिल्की ऐसे देख रही हो? हाँ पांडू, जब से तुम्हें देखा है मेरे तन बदन में आग लगी है। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम डर के मारे चीखो चिल्लाओ सिल्की। अरे चीख आए भी ना करेंगे तो अच्छा होगा क्या? चीख तो मैं तेरी निकालूंगी अभी। चिल्ला मत, मैंने कहा चिल्ला मत, चुप चुप। अरे क्या कर रही हो? अंदर कुछ मामला अलग है। पांडी पता नहीं क्या कर रहा है, अंदर ही जाके अटक गया। तो एक काम कर, जाके खिड़की से देख के क्या हो रहा है। जा ना, अंदर क्या हो रहा है पता तो चलना चाहिए। जा। मुझे कहना है। अरे यहाँ कहाँ बैठा है? मुझे बचा ले। अबे क्या हुआ तुझे? बचा लेंगे। अरे किसे सोच रही है? अरे बचा। क्या सोचा था, क्या हो गया? करना है। करवाना पड़ो। अब चिल्ला, चिल्ला। रेप करेगा मेरा, निकम्मा कहीं का। गीता। हाँ आ रही हूँ जी। गीता क्या हुआ जी? जल्दी से सामान बांध के आओ। पर हुआ क्या है, क्यों इतनी जल्दी में है? सुनिए जी, एक और बार सोच लीजिए, उस वीरा रेड्डी के साथ दुश्मनी लेना वो बहुत खतरनाक इंसान है। इसको रंगनाथ, क्या ये मेरे साथ तो तूने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, अचानक ये क्या हो गया? अब अच्छा काम करने का मन कर रहा है। जन्म लेने के बाद या तो अच्छा काम करके जीना चाहिए या फिर बुरा काम करके, पर अगर इसमें का उसमें और उसमें का इसमें करने की कोशिश की ना तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करता। छोड़ दे, लास्ट चांस, सोच ले एक बार। पाप कर रहा हूँ इस डर और शर्म से रोज रोज मरने से अच्छा लाइफ में मैं कुछ अच्छा काम करके मरना चाहता हूँ। तुझे लाइफ भी मैंने ही दी है और लाइफ लाइन भी दी है, लेकिन अगर तू मना कर रहा है तो तेरी लाइफ भी इसी वक्त मैं ही खत्म करूंगा। वो बक्सा गाड़ी में होगा, लेके आ। मत मारो। तो चिंता किस लिए कर रही है? ओ, तेरा पति तुझे छोड़ के जा रहा है इसलिए क्या? लगता है तेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, यानी तू अब मेरे काम की नहीं रही। तुझ जैसी औरतों के लिए पहले एक प्रथा होती थी, याद है ना, सती प्रथा। सती होना चाहेगी? हाँ?
ये लीजिए टिकट टिकट। कौन सा गांव? पालमपुर। पालमपुर हमारा गांव भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। अच्छा? हाँ सच में हमारे गांव में सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, नदियां हैं। मत चेहरे पर जैसे आंख कान नाक होते हैं ना, वैसे ही हर गांव में ये सब बहुत कॉमन होता है। अगर इन सब के अलावा कुछ है तो ही तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो, तभी मानूंगी तुम्हारा गांव स्पेशल है। इंटरेस्टिंग नहीं बताऊंगा तो हमेशा के लिए टॉर्चर करेगी। एक चीज है जो कहीं भी नहीं, वो मेरे गांव में है। वो क्या है? चंडी जी और पांडू जी। पर ये तो दो हुए ना? हाँ दो हैं, मगर फिर भी एक ही हैं। वो कैसे? यमराज अगर धरती पे पैदा होते तो कैसे पैदा होते? वैसे ही हैं चंडी जी और पांडू जी। क्या भाई आज बहुत सारी औरतें बाहर निकली हैं। क्यों भाभी नहा रही हो क्या? भूख लग रही है ना? हाँ? सही में भूख लग रही है। भूख लग रही है क्या? अरे थोड़ी देर रुक नहीं सकता है क्या? भूख लग रही है मतलब रुकने के लिए नहीं बोला मैंने, खाना खाने के लिए बोला। अच्छा तो फिर चलो, मुर्गी तो बन गए। बाप रे जिंक चक्का भाभी। क्यों रे तुम लोग यहाँ? क्यों मुर्गी बना रही हो क्या? रोड तक आ रही है खुशबू। मेरे पति का जन्मदिन है इसलिए मैंने कितने प्यार से बनाया है उनके लिए। वैसे आज जन्म लेने वाली मुर्गी भला क्या करेगी? वैसे भी जन्मदिन मनाने के लिए दावत तो रखनी चाहिए ना। नहीं नहीं ऐसा मत कहो, चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए फिर से बना दूंगी। मेरी बात मान जाओ प्लीज। मत खाओ मत खाओ मत खाओ। अब तक तो पूरी तैयारी हो गई होगी। मुर्गी बन रही है, मेरे जन्मदिन पे मुर्गी खिलाएगी, घर जाके मैं खाऊंगा। अरे वाह जादू यार बनाती है मस्त। अरे चंटी इसका पति बहुत खुश नसीब है। आप आ रहा हो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, जन्मदिन मुबारक हो। सेम टू यू पांडू। चंटी मुर्गी बनी थी बहुत मस्त, मसाला भी था उसमें बहुत मस्त। तुम्हें हो जन्मदिन की शुभकामनाएं वो बहुत ही मस्त। जन्मदिन मुबारक को। ए चंटी पांडू। छी मत कीजिए, इसके आगे इनकी और भी कहानी है। चले क्या? चलो हम भी खेलें क्या? अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कौन सा खेल खेल रहे हो? खेल नहीं रहे, सुहाग रात है मेरी। अच्छा इसका मतलब तुम्हें पता है क्या भाभी? पता है। अच्छा नहीं नहीं पता। अरे जब उसे पता नहीं है तो क्यों खेल रही हो? सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। अभी क्या कर रहा है? देखा ना यही तो बात है, कुछ करो तो परेशानी, कुछ ना करो तो परेशानी। हमारे गांव वाले उन्हें सह रहे हैं, इसका मतलब वो स्पेशल ही है। मेरे गांव के बारे में जान लिया लेकिन अपने बारे में बताइए। ये क्या आपने बताया? चलो चलो नागा पेट नागा पेट। सुनिए तो आपका नाम क्या है? तुम शरीफ लड़के लगते हो, एक महीने से मेरा पीछा कर रहे हो इसलिए बगल में बैठने दिया। सुनिए ये अन्याय है, कम से कम नाम तो बता दो प्लीज। इलासिया क्या है? हमारे गुरु का आज अच्छा वर्कआउट हो गया लगता है। वो लड़का फिर एग्जाम में पास नहीं हुआ? समझो हो गया। अरे एक पत्ता डाल यार। जल्दी डालना। सुबह उठ के किसकी शक्ल देखी थी पता नहीं। मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, आज पत्ते अच्छे से फंस नहीं रहे यार। क्या करूँ आज तो मेरे भी पत्ते बहुत खराब आ रहे। तू डाल यार। अरे सत्या तुझसे एक बात करने की सोच रहा था, 3 दिन से शाम को ऑफिस के पास तू दिख नहीं रहा है।
पर रोज रात को 9 बजे तेरे दो पहियों के स्कूटर राजा की तरह, हाँ राजा की तरह आधा डजन आम लेकर 3 पहाड़ों की तरफ जा रहा है, ऐसा मेरी आंखों का अनुमान है। अरे वो तो कुछ भी नहीं है यार, गांव में बच्चे नहीं है ना, इसीलिए 5 बजे घर चला जाता हूँ। छी ये लो शो, मैं जीत गया। ये तो हमेशा जीत रहा है, नहीं आ रहा क्या किया जाए। चलो चलो पैसे निकालो, पैसे निकालो, चलो 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 चलो, कितने हुए ला। हाँ अरे सुब्बू, तू शहर नहीं जा रहा है? क्यों? नहीं कुछ नहीं यार, वहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है ना, तो 2 पैंट और 6 लेकर आ जाता इसलिए। ए शो, बाय बाय, बात मत कर, चल जल्दी चल, गलत कर रहे हो, नहीं सुब्बू वो कपड़ों के बारे में नहीं, तेरे पत्तों के बारे में बात कर रहा था। भाई अब समझ में आया, अब तक जो कह रहा था वो मेरे पत्तों के बारे में था, मैं नहीं खेलूंगा, मुझे क्या उल्लू समझा रहा है? चंटी अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो मैं तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। शेखर वो चंटी और पांडू वहां पर झगड़ा कर रहे हैं। ओ, फिर से मैं भी आता हूँ। आहा, टमाटर में नमक कम डालना, मिलाते वक्त ज्यादा हो जाएगा। अरे बेटी सब अच्छे से सुखा देना वरना खराब हो जाएगा। पता नहीं ये लड़कियां कैसी। बुड्ढी ए बुड्ढी, क्या है, इज्जत से बात नहीं कर सकती? तू चुप कर बुड्ढी, कहाँ पर है वो दोनों? क्यों री, कल तक तो माँ जी पुकारती थी, आज तेरे अंदर चर्बी चढ़ गई क्या? हाँ, चढ़ गई है। कल तक मैं समझ रही थी कि वो चंटी और पांडू अच्छे इंसान है, पर अब ये हरकत करने के बाद तुझे और उसे क्या इज्जत करूँ मैं? चल बुलाओ दोनों को बाहर। बड़ी आई शानी कही की, देख रहे हो इसे, इसकी जुबान कैसे कैची की तरह चल रही है, देखो तो। चुपचाप बुला। बाप रे, मार दिया, क्या कस के मारा यार इन लोगों ने हमको। ए, कोई पुलिस पुलिस नहीं आ रही, मैंने ऐसे ही कहा था। अबे जान निकल गई यार, इतना डरते हो तो खेलते क्यों? पुलिस आएगी तो क्या हुआ, कभी सोचा है? सोचना चाहिए, हम कभी सोचते हैं क्या बे? हाँ सही बोला, है सोचने का मन किया तो सोचते हैं। ए, कुछ भी उल्टा करने से पहले सोचो, हम गांव में रहते हैं जंगल में नहीं। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ भाई, अगर गांव में किसी की बात सुनते हैं ना तो तू ही है भाई। वो ऐसा सेट हुआ है बस, मिठाई तो किलो पर थोड़ी खानी चाहिए, है ना, सेहत खराब हो जाएगी। देख उसी तरह सुन रहे हैं, अगर तू अच्छी बातें करेगा ना तो सुनना बंद कर देंगे। अच्छा वो बस वाली लड़की ने कैसे बात की ना? देखो देखो शर्म के मारे कैसे लाल हो रहा है, कसम से। एक मिनट रुको, क्या हुआ, तुम्हें कैसे पता इस बारे में? तेरी शक्ल देखने से ही पता चल रहा है। अच्छा ऐसा, शक्ल देखने से सब मालूम चलता है? बहुत बात है। और क्या लिखा शक्ल में बेटा? भूखे की शक्ल पे लिखा रहता है कि भूखा है, और खाना खाने के बाद जब पेट भर जाता है तो शक्ल कुछ और लगती है। पत्ते में हारने वाले की शक्ल अलग ही दिखती है, हारने वाला अगर जीत जाए तो उसकी शक्ल कुछ और लगती है। जवान लड़का प्यार में पड़ जाए तो अलग ही दिखता है, और जिससे प्यार हो गया उसके साथ अगर वर्कआउट हो गया तो उसकी शक्ल कुछ और लगती है। अगर एक औरत को सुख देगा। बस 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 करो, तुम दोनों, तुम लोग कोई मामूली आदमी नहीं हो, तुम दोनों इतना कुछ जानते हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। नहीं भाई, टेंशन ले रहा है। सुब्बलक्ष्मी तुम्हारे घर जाकर झगड़ा कर रही है, क्यों बे? तुमने कुछ किया होगा? कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों आ गए क्या? शुभ लक्ष्मी झगड़ा क्यों कर रही हो? झगड़ा? मुझे धोखा दोगे तो क्या मैं देखती रहूंगी? घर के बड़े बुजुर्ग को बुलाकर पंचायत करवाऊंगी, मैं न्याय लेकर रहूंगी। अच्छा। तो मैं छोड़ूंगी नहीं है। क्यों बहुत ज्यादा बोल रही है तू? अब कोई फायदा नहीं है, ये ईंट मारेगी तो हम पत्थर मार के दिखा देंगे। चल क्या दिखाएगा तू मुझे, सब कुछ देख कर ही यहाँ आई हूँ। अच्छा सब देख कर आई हो, सब देख कर आई हो ना, ये भी देखा है क्या? मैं जो कह रही हूँ वही तो तुम भी दिखा रहे हो, ये दिखाओगे तो जीत मेरी ही होगी। मुझे पता था तुम ऐसा ही बोलोगी, पूरा देखो। ये क्या, ये कब हुआ? उस दिन दिया हुआ नारियल पानी तो तुमने पिया था। पिया तो था, उसमें हमने दवाई मिला दी थी और क्या। अब बोलो माँ जी, घर पर कपड़े होंगे तो दे दो। बड़ी नौटंकी वाली लड़की है, देख लिया ना कैसे सब कर दिया। नालायक को
मुझे लगता था सिर्फ घर में सता रहे हो, गांव वालों को सता के घर में बुला रहे हो। अरे कहीं के दादी, ऐसे मारो मत, कोई देखेगा तो बोलेगा कि अब तक हम जवान नहीं हुए। जवान क्यों नहीं हुए, इतना खाना बना के रखा है घर में, ठूस के गांव को सताने जाते हो। ए, चल रहे अपना प्रवचन बंद करो, जाके काम करो जा। मेरी कमर टूट जाएगी। क्या नायर जी, बदन पर काफी सोना दिख रहा है, बात क्या है? अरे प्रेसिडेंट साहब नमस्ते। क्या हुआ शट्टी, फटी शर्ट क्यों पहनी है तूने? चट्टी और पांडू ने मेरी शर्ट फाड़ दी। अरे पर मैं क्या करूं इसमें, मुझे मारने के लिए मुझसे क्षमा मांगे और मेरे केबल का उधार भी चुका है। हाँ सिर फोड़ दूंगा तेरा, मैं क्यों माफी मांगूंगा बीच में? आपको ऐसा लगा क्या मैंने चंटी और पांडू के बारे में कहा? मेरी शर्ट फाड़ी थी ना उन्होंने। वो देखिए आपका बेटा आ गया, उससे पूछिए, दोनों का बहुत क्लोज फ्रेंड है। अरे सुनो तुम ही बता दो ना, कहां से आ रहा है तू, उनके साथ क्या कर रहा था? बचपन की दोस्ती है, अब आपसे क्या कहूं, अगर मैं सही वक्त पे वहां नहीं पहुंचता तो पता नहीं इनकी क्या हालत होती। अच्छा माँ जल्दी खाना दो। अभी खाना बना रही हूँ बेटा, तू बैठ, बन जाएगा तो देती हूँ। कोई फायदा नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। घोड़ा अंधा होगा तो भी चना कम नहीं खाएगा। खाओ खाओ। अंडा मस्त बनाया दादी। तो खाना। इसलिए अच्छा बना क्योंकि मेरा हाथ इस पर लग गया। अभी मार क्यों रही हो दादी? तूने ही संडे पे कभी हाथ लगाया? अंडा तो मैंने ही लाया था ना। सिर्फ अंडा लाने से काम होता है? अरे मेरे मेहनत से कमाए हुए पैसे से अंडा लाया है ना, शर्म नहीं आती? शर्म ये क्या होती है दादी, हमारे गांव में आई हुई कोई नई छमिया होगी? तुम्हारी तो गांव में कोई इज्जत नहीं है, तुम्हें कहां से मिलेगी छमिया? दादी एक अंडा और दो ना। क्यों मेरे पतिदेव, मना करने पर भी तुम पुष्कर चले गए और पुष्कर में इन दोनों के परिवार पानी में डूब गए। ये अनाथ ना हो इसलिए यहाँ ले आए। आप यहाँ रहे क्या उनके लिए? इन्हें सही गलत सिखाए बिना भगवान के पास चले गए। इनकी हरकतों के वजह से मैं परेशान हो गई हूँ, देख रहे हैं? क्यों दादी, दादाजी हमारे बीच नहीं है तो बुरा लग रहा है क्या? हाँ। एक काम करते हैं, तुम्हें ले जाकर सीधे उस कुएं में डाल देते हैं, तो तुम भी दादाजी के पास चली जाओगी। मुझे डुबा दोगे नारा? नमस्ते, पालमपुर गाँव में केवल सत्या को आप सब लोग तो पहचानते ही है ना। बीच में ये कहां से आ गया? आज शाम को ठीक 8 बजे हमारे गांव के सिटी केबल में बाहुबली 2 नए प्रिंट के साथ दिखाया जाएगा। चट्टी पांडू के अलावा गांव में बाकी सभी लोग सिटी केबल पर ये फिल्म देख सकते हैं। तो गांव के सभी लोग देखेंगे बाहुबली और चट्टी पांडू रोएंगे फूट फूट के। हमें सिनेमा नहीं देखना चाहिए, ये कहने वाला ये कौन है? फिर क्या, घर हमारा है, हमारा टीवी है, हमारा रिमोट है, केबल तो मेरा है ना। कौन है बे? कौन है भैया? चला जा, मुझे मारा था ना। अबे इसकी तो क्या कहा था, मैं कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा, केबल कनेक्शन ही उखाड़ दिया, तुम्हें टीवी नहीं देखने दूंगा। इस गांव के सभी लोग सिनेमा देखेंगे पर तुम घर पे बैठ के रोओगे, देखता हूँ तुम लोग मेरा क्या उखाड़ते हो। ये बाहुबली 2 का सीडी शाम को 8 बजे लग जाना चाहिए, घर जाके फैमिली के साथ देखूंगा। मेरी बात सुनाई दे रही है ना? अगर इसने हमें देखने नहीं दिया ना तो हम उसकी खटिया खड़ी कर देंगे। मैं सपनों का राजा, तू मेरी सपनों की रानी। क्यों रे, आज केबल में बाहुबली आने वाली है, ऐसा सुना है? रात को 8 बजे आएगी, जरूर देखना। मैं सपनों का राजा, मेरी सपनों की रानी। क्या रे कोंडा, सुना आज रात को बाहुबली? ऐसा क्या, जरा कहा है बता तो सही। ये देखो भाई, पार्ट 1 है या पार्ट 2 है? पार्ट 2 है भाई। पार्ट 2 है? हाँ। अच्छा अच्छा ये ले जाके लगा दे। ठीक है भाई, जाता हूँ। प्रिंट ओरिजिनल है ना? हाँ ओरिजिनल है, एक नंबर। ओके बाहुबली केवल सत्या की बनी है, देखना। अरे जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ आ रही हूँ। अरे टाइम हो गया है, आओ बैठो। क्या है जी? आज हम दोनों मिलकर बाहुबली देखेंगे। हमारे गाँव के सभी लोग टीवी के सामने हैं, फ्रेंड्स और फैमिलीज तो पंचायत ऑफिस में लगाए हैं दुकान। तू इधर आ, यहाँ बैठ, मुंह पर उंगली रख के बैठ, सिनेमा खत्म होने तक अगर हिला भी ना तो बहुत मारूंगा। बाप रे, बाहुबली के नाम पर ये पिक्चर दिखा रहे हैं। सुबह से बाहुबली कह रहे थे ना? अरे तो मुझे क्यों मार रही हो, जाके सत्या से पूछो ना जिसने बताया था मुझे। अरे ये कैसा खराब चल रहा है, कुछ भी दिखा रहा है सत्या? क्या दिखा रहे हो, टीवी पे गंदी गंदी फिल्म दिखाओगे? वो सीडी मैंने नहीं लगाया, खराब है तेरा, गंदी गंदी फिल्म लगाता है। जो मैं कह रहा हूँ वो तो सुनो, एक बार मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। सत्या को अच्छे से पीट रहे हैं वो लोग। क्यों रे, चंटी और पांडू को तो फिल्म नहीं देखने देगा ना? बाहुबली अब चढ़ेगी तेरी बलि। सही है, सही है, मारो और मारो, इसकी तो बुराई करनी चाहिए, अच्छी तरह से इसे सबक सिखाना पड़ेगा तभी ये सुधरेगा। देखो उन्हें, उन्होंने ही सब कुछ किया है, मैं जानता हूँ। अभी लगता है मैटर अपने ऊपर आने वाला है।
भागले यहाँ से जंप। ये क्या भाई, खेतों में हथियार लेकर खड़े हैं? भाई इसका नाम कन्ना बाबू है। नमस्ते भाई। भाई आपने कहा था ना कि हमें एक ऑडिटर चाहिए, वकील साहब ने इसे भेजा है। ऐसा क्या, ये ऑडिटर की तरह तो नहीं लगता। क्यों सर, खेतों में चल के आया, उसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ, मेरा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक सवाल पूछता हूँ तुझसे। हाँ पूछिए ना। ऑडिटर का काम क्या, क्या है? सर आपकी इनकम देखकर सरकार को आपका टैक्स भरना। आपके अकाउंट को देखकर सरकार को टैक्स नहीं देने लायक बनाना। वैसे भी आप जैसों के पास अब जैसे लोग नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल होगी ना। सर एक बात बताऊं आपको, ये सब आपके सामने डरने का नाटक करते हैं, आप दूसरी तरफ घूमेंगे तो ये अपना काम कर लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ? आपके सारे नारियलों के लिए एडवांस देने आया हूँ भाई। रेट क्या है? 4 रुपए पीस, मार्केट में यही चल रहा है भाई। ठीक है, पैसे वहां पे रख दे। देखा क्या, सामने वाले के दिल में डर हो इसीलिए ये सब करना पड़ता है। सबकी डर के मारे फट रही है और इससे कहते हैं डर। समझ में आया क्या? यह आदमी मुझे पसंद आया, रख लो इसे। मतलब तुझे काम पे रख लिया गया है। अगर छोड़ना हो तो? जब तू छोड़ना चाहेगा तो तुझे अपनी जिंदगी भी छोड़नी पड़ेगी। पहले वाले ऑडिटर के मरने के बाद तुझे काम पे रखा है। चंटी चीज तो बहुत ही अच्छी मिली है बे। फ्रेश मिठाई, चला जा देखते हैं। वैसे मुझे लगता है मजा ही आएगा। देखना चल, देखते आ जा। डरा दे इसको, डरा दे इसको। क्या हुआ यार, क्या हो गया? ये चंटी ये क्या है? शेखर मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ और मेरे मन में क्या है तुम नहीं जानते, और वही पता लगाने की तुम कोशिश कर रहे हो ये भी मैं जानती हूँ। अबे तुझे एक शब्द भी समझ में आया तो तेरी चप्पल से नहीं वो सुब्बलक्ष्मी के चप्पल से मारना। मुंह बंद कर, पाड़ी से। क्यों भाई? तुम मुझे बहुत पसंद हो और शायद इसी को प्रेम कहते हैं। तो इसके लिए तो इतना दुखी है। आगे और भी लिखा है, पढ़ो। लेकिन हम दोनों का मिलना नामुमकिन है, ये ना आज हो सकता है और ना आगे कभी। इसका एक कारण है, तुम्हारे गांव में चंटी और पंडू जैसे दो कमीने हैं, तुमने बताया था। लेकिन मेरे गांव में उनसे भी बुरा एक इंसान है और वो है मेरे भैया। मैंने कभी उनका नाम या उनके बारे में तुम्हें नहीं बताया और बताना भी नहीं चाहती, और वो इसलिए क्योंकि मुझसे प्यार करने वाला एक लड़का मेरे घर पर आए, मेरे भैया से बात करे और वो तुम पर हाथ उठा दें तो मुझसे सहा नहीं जाएगा, इसलिए ये सब बोल रही हूँ। अगर भैया को बताया तो वो मेरा कॉलेज जाना भी बंद कर देंगे। तो मुझे भूलना मत शिखर, पर मुझसे मिलना मत। मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगी पर मिलूंगी नहीं। क्या यार, इतनी सी बात करे इतना दुखी है? जाकर उस लड़की को उठा लाऊं क्या? हाँ, और किसने लिखा है कि मत मिलना? अबे शेखर, लड़की मना करती है तो उसका हाँ होता है, समझा? पावर स्टार ने गाने में बोला है यार ऐसा। पिक्चर में। और जब ऐसी चीजें निकलती है ना तो लड़कियां हमेशा ना ही कहती हैं, फिर भले ही उनको कितना भी पसंद हो, क्योंकि कल अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो बेचारी कहाँ जाएंगी। मैंने तुम्हें उसी दिन बोला था, तुम ही नहीं माने, ऐसा हमको बोल देती है वो। तुम्हारे कहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? तेरे लव स्टोरी में कैसे ट्विस्ट लेकर आते हैं। चल चल चल, इस
स्कूल के पीछे पकड़ देते हैं। चल कोई चिल्लाएगा तो मार डालूंगा। मुंह बंद करो नहीं तो घुसा दूंगा। कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए तुम्हें? हम हैं शेखर के दोस्त चंटी पंडी। पालमपुर से हो? हाँ। बताएगी तो तुम्हारे लिए अच्छा है। हमारे लिए अच्छा। ऐसे कैसे? लोग मुंह खुलवाने के लिए मारते हैं और हम चुम्मा देते हैं। चल बोल जल्दी, बोल जल्दी, बोल। अरे बोल 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 बोल। अरे अरे बस कर, बस कर, अरे बस कर यार। अगर चुम्मा लेता रहेगा तो तेरे साथ संसार बसा देगी, पता है क्या? ए चल बोल, गौरी कहाँ है बता, नहीं तो मैं आके सबको चुम्मा दूंगा। बोल जल्दी, बोल कुछ कुछ बताती हूँ। चल बोल, बोल ना। वो रोज ट्यूशन जाती है, उसके साथ दो बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। ओके ट्यूशन, उस मास्टर का नाम क्या है? शेखर, ए शेखर, एक बार इधर आ। क्या हुआ? अरे यार कर बात करो ना। अरे चल यार, अरे यहाँ बताता हूँ। अरे छोड़ो ना यार, कहाँ ले जा रहे हो? अरे ए, यहाँ पे देख गौरी, गौरी ए, ये यहाँ पर कैसे आई? तुमने कहा तो लेके आ गए। गौरी तुम दोनों को जरा भी अकल नहीं है। पानी डालना। गौरी गौरी मैं यहाँ पर कैसे आई? गौरी तुम्हें ये तुम्हारे आदमी है क्या? मैंने कहा था मुझसे मिलना मत और तुमने मुझे जबरदस्ती उठवा लिया। नहीं गौरी मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ नहीं सुनना। मैंने जो कहा वो हमारे अच्छे के लिए था, पर तुम्हें समझ में नहीं आया। एक बार मेरी बात तो सुन लो, तुमने जो लेटर दिया था ना वो इन दोनों ने पढ़ लिया। बातें बाद में कर लेना, पहले ये यहां से पिला दो ना। अब इसकी क्या जरूरत है, चल जा पिला। नहीं चाहिए मुझे। गौरी प्लीज पी लो ना। मैंने कहा था मुझे नहीं चाहिए। ए, तूने नारियल पानी क्यों दिया? उसमें मैंने नशे की दवाई मिला दी है। ऐसा क्या? तो अब क्या होगा? वही। तुमने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मेरे साथ ये सब किया। गौरी मैंने कुछ नहीं किया, उन लोगों ने किया। उन्होंने किया? मेरा किया तो मैंने ही है, पर करवाया उन लोगों ने। अरे यार मैं ये क्या कह रहा हूँ। मैं समझ गई, तुम सबने मिलकर ये ड्रामा किया है। तुम नादान हो और वो विलेन से, पर बर्बाद तो मैं हुई हूँ। नहीं गौरी, क्या हुआ? इन्होंने कहा होगा एक बार ऐसा करने से लड़की पट जाती है और तुम मान भी गए। लेकिन मैं अपने मन में कब की तुम्हारी हो चुकी, ये तुम नहीं माने। ये जो कुछ भी हुआ उसे मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ गौरी। छी, अब भी तुम ड्रामा कर रहे हो, मुझे कितना बुरा लग रहा है तुम्हें पता भी है? ये क्या है, तो लगा के चली गई। दवाई काफी नहीं हुई लगता है। अरे क्या हुआ? तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी और तुम दोनों यहाँ अपनी दवाई के बारे में बात कर रहे हो। पूरा गांव तुम्हें कमीना कहता है, फिर भी मैंने तुम दोनों का आज तक साथ दिया है। बात वो नहीं है, पूरे गांव को बर्बाद करने के बाद तुम दोनों ने आज मुझे भी धोखा दे दिया। मैं तो तुम्हारा दोस्त था ना यार, याद रखना ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए वो जरूर किसी को भेजेगा। हट जाओ यहाँ से। अरे वो ऐसे चिल्ला के भाग क्यों गया? इसके लिए भी दवाई लगता है काफी नहीं थी। चल चल चल।
रात को इंडिया ने क्या धोया है, धोनी ने 2 सिक्स मारे, धमाधम। चाहिए क्या? एक जा रहे। अरे गंगा बॉनी, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं तुमसे प्यार करने वाला हूँ, कल सपने में लहंगे में देखा था तुम्हें। अरे चंटी आजा। चलो चल चल चल। ओ भाई दो चाय दे। चाय के लिए दूध, शक्कर, चाय पत्ती एक ग्लास, उसे धोने के लिए सर्फ, एक स्टोव, उसे जलाने के लिए गैस, सब करने के लिए आदमी, इन सब की जरूरत पड़ती है, पता है? चंटी, एक चाय के पीछे इतना कुछ क्या होता है? पता, मैंने तो कभी बनाई नहीं है। चाय का मतलब खाली अक्षर समझाए का, उसके पीछे व्यवस्था होता है, उन सब के लिए खर्चा होता है और इस चाय की एक कीमत भी होती है, और बार बार जो चाय पीने से उधारी होता है ना वो भी भरना पड़ता है। देखो इस चाय का पैसा तो हम भर देंगे, लेकिन तुम व्यवस्था व्यवस्था कहोगे तो हमारी दादी को आना पड़ेगा। समझ में आ गया? तुम लोग नहीं, तुम्हें बताने वाला बेवकूफ है। जिंदगी का सत्य पता चल गया तुम्हें, जाके चाय बना। वो लड़की कौन है, क्या है, क्या करती है, पता करना पड़ेगा ना। बहुत मुश्किल लग रही है, देखने से पढ़ी लिखी लगती है, लेकिन एक बार बात बन गई तो सच कह रहा हूँ मजा आ जाएगा। सच में? Excuse me. सुनिए, हेलो। आपने पीछे से बुलाया, ऐसे झटका लग गया। बात वो नहीं है। तो फिर क्या बात है? आपको एक बात पूछनी थी। पूछिए पूछिए। मैं इस गांव में अभी अभी एज ए टीचर अपॉइंट हुई हूँ। अच्छा अच्छा। एक्चुअली यहाँ किसी को पहचानती नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा डर गई हूँ। आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? क्या करना है बताइए तो। बिल्कुल हेल्प करेंगे, बताइए। एक मिनट। जरा मैडम को एक बढ़िया चाय पिला। हाँ जाओ जाओ। हाँ बैग दीजिए। चलिए 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 आइए। आपको पता है कि आप कितनी खुश नसीब हैं? अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि परिचय हो गया, मतलब पूरे गांव से परिचय हो गया आपका। अच्छा, तो पहले आप दोनों से खुद को इंट्रोड्यूस करवा देती हूं। आई एम वेंकट लक्ष्मी, बीडी फ्रॉम वाइजैग। और आपका नाम? चंडी कुमार वर्मा शर्मा। और आप दोनों साथ ही होते हैं क्या? दोनों कभी अलग नहीं हो पाते हैं। वैसे आप काम क्या करते हैं? मैं प्रेसिडेंट का बेटा हूँ। और आप? मैं एमएलए जी का बेटा हूँ। एमएलए गंपा गोपाल राव जी क्या? मैं कुछ दिन पहले ही उनसे मिली थी, वो राजमंडी में रहते हैं ना, तो आप यहाँ कैसे? जी मैं अभी के एमएलए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्स एमएलए की बात कर रहा हूँ। आप उनको भी जानती हैं क्या? हाँ तो फिर वो वही है जी। तो फिर आप इस गांव में? वो क्या है कि उनका हॉस्टल इसी गांव में है ना, तो वो इनको भेजते रहते हैं इसीलिए। अच्छा वेंकट लक्ष्मी जी, आपको इस गाँव में क्या चाहिए बताया नहीं आपने? घर, अच्छा सा घर। अच्छा उतना ही ना, आपको कैसा घर चाहिए बता दीजिए, हम दिला देंगे। ईस्ट फेसिंग। ओके। घर के सामने बहुत सारे पेड़ होने चाहिए। ओके। एक फ्रिज होना चाहिए। नहाने के लिए हीटर होना चाहिए। अच्छा। रूम में एसी भी होना चाहिए। हॉल में टीवी होना चाहिए। जमीन पर मार्बल होना चाहिए और सर पर सीलिंग होनी चाहिए। और अच्छा। इस विलेज के हिसाब से ज्यादा हो गया क्या? आपने पूछा इसलिए मैंने बताया, कुछ चीजें नहीं भी होंगी तो भी चलेगा।
ये सब चाहिए क्या? कहाँ मिलेगा ये सब? ये घर कहाँ मिलेगा? मेरी बीवी को मायके भेज दिया, मेरे ससुर को ब्लैकमेल कर दिया और मुझे पैसा भी भेज दिया। मेरा घर पूरा बदल गया। मेरे घर का फेसिंग ईस्ट है, घर के सामने पेड़, घर में टाइल्स, नए दरवाजे बना दिए, रसोई का स्टोव भी बदल दिया, अटैच्ड बाथरूम, हल्का होने के लिए खेतों पे लोटा लेके जाना मैंने छोड़ दिया, ठंडे पानी के लिए फ्रिज, गर्म पानी के लिए हीटर, स्प्रिंग वाला बिस्तर और मुलायम वाला तकिया। थोड़ा सा पैसा नहीं आया है, आने के बाद अपनी पत्नी को भी बुलाऊंगा, फिर देखना मेरा स्टाइल। अरे पत्ते फेंको यार। वेंकट लक्ष्मी जी, आपको जो भी चाहिए सब मिलेगा। हाउ स्वीट। ओए सुबो, ये है कपड़े। अब आप यहाँ पे बैठ लीजिए, बैठिए आराम से। हम लोग अभी आते हैं। हाँ चल चल आते हैं। सुबू क्या है बे? ए तुझे अपने ससुराल जाना होगा तो क्या लेके जाएगा बे? ज्यादा ले जाने की जरूरत नहीं है, दो जोड़ी कपड़ा। तो फिर ले ले। अबे रुक जा, उतने दो जोड़ी कपड़े उसका ससुर नहीं देगा क्या? क्यों नहीं देगा, जरूर देगा। तुम देखना, अगर मैं ससुर के पास गया तो वो मुझे वहाँ से आने ही नहीं देगा। तो निकले। पर क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे घर पर कब्जा कर रहे हैं। मेरे घर से तुम दोनों मुझे ही निकाल रहे हो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो कमीने कहीं के। अबे जा जा। चलिए ना। वो ऐसे क्यों चले गए? वैसे वो है कौन? वो मेरे पिताजी के पास काम करने वाला नौकर है, उसके पास घर नहीं था इसलिए हमने दिया था, उसको हमने घर दिया था। बहुत बोल रही है। आइए। एसी, फ्रिज उस तरफ है, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन भी है यहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच। बाय द वे, आप दोनों लोगों ने मुझे बाहर इतनी देर वेट क्यों करवाया? उसकी नजर ना पड़े है इसलिए हम लोगों ने। मतलब आगे आगे कभी पूरा ऐसी प्लान किया था। क्या प्लान है? नजर लग जाएगी इसलिए। ओके ओके थैंक्स। ओके ओके ठीक है, मैं फ्रेश होकर। जी 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 ओके, आइए आराम से। आप आराम से फ्रेश होइए, हम लोग बाकी काम करके आते हैं। बाय, मिलते हैं। बाय। चलना। अरे सारी खबरें तो टीवी में। प्रेसिडेंट जी, प्रेसिडेंट जी, क्या है? दूध से जैसे मक्खी बाहर फेंकते हैं, उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया घर से। जाने देना, हमारे घर पे रहे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मुझे अपने ही घर से निकाल कर उन दोनों ने कब्जा कर लिया है। क्या कहा? चंटी पांडू ने कब्जा कर लिया? प्रेसिडेंट जी के पास आया हूँ मैं। वो सुन, चुप कर, मैं यहाँ मुसीबत में फंसा हूँ, अपनी बकवास लेकर आ गया है। अरे मेरी बात को सुन, तेरी तो तुम चिंता मत करो, वो फोन मुझे दे दो। ये लीजिए। अरे मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? अब देख प्रेसिडेंट जी क्या चक्कर चलाते हैं। उन्हें बताओगे तो वो एसआई को फोन करके बुला लेंगे। मेरी बात मान और उन्हें उन दोनों को मैं अब छोड़ूंगा नहीं। अरे जरा गिलास तो पकड़। उस एसआई ने मेरे साथ दो लोगों को बर्बाद कर दिया, अब इसका क्या होगा? हाँ एसआई साहब। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे कुछ खास नहीं जी, हमारा सुबह है ना, उसकी बीवी मायके गई है, बेचारा इस वक्त अकेले है। कैसे भी रहे उनको क्या? आपको कुछ करना होगा। उसमें क्या है जी, देखा जाता हूँ, आप फोन रखिए मैं भेजता हूँ। अरे सुनना, 10,000 जाकर एसआई को देखिए, हो जाएगा, चिंता मत, सेटल हो जाएगा। सेटल हो जाएगा? अरे कहाँ ना सेटल हो जाएगा। हे भगवान, कैसा न्याय है, तू क्यों हंस रहा है? मेरी बात सुनी तूने? मेरा 2,000 गया, तेरा 10,000। आप मामूली आदमी नहीं है जी, अफगानिस्तान के अलकायदा के जैसा आप न्याय करते हो जी। अब कोई फायदा नहीं है, चल मैं तुझे बताता हूँ कि उस चंटी और पांडू को कैसे ठीक करना है। चल अब यहाँ से सीधा उसके पास जाना है। ये नहीं कह रहे, ये ग्लास उठा के उन्हें दे दे। ये ले। यो प्रेसिडेंट जी, क्या हाल है? क्या रे चंटी पांडू, किधर से आ रहे हो तुम लोग? देखिए प्रेसिडेंट जी, आपको कुछ नहीं पता है, वो टीचर मैडम ने कहा इसलिए सुबह ने घर दिलवाया। ये क्या कह रहा है तू? टीचर ने तो मुझसे बात किया था कि बगल वाला घर चाहिए, बातचीत तो मुझसे हुई, घर वहाँ ले लिया, ये कैसे? कुछ तो करना होगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तू संभाल ले। ठीक है, ठीक है, बाय। अरे लेकिन बात क्या थी, किस लिए आए थे? नई टीचर गांव में आई है, यही बताने आया था। सेटलमेंट भी नहीं होने देते।
वेंकट लक्ष्मी जी, वेंकट लक्ष्मी जी, दरवाजा खुला ही है। वेंकट लक्ष्मी जी सुनिए, कहाँ हैं आप? नहा रही हूँ। देखा ना, आप लोग मेरा वेट करते हुए बोर ना हो इसलिए मैंने कैसे एंटरटेन किया आप लोगों को। हेलो हेलो, आप घर बदल रही हैं ऐसा सुना है मैंने। किसने कहा? वो हमारे वो प्रेसिडेंट जी ने कहा। जी जी जी, उन्होंने फोन कर करके बहुत रिक्वेस्ट की इसलिए हाँ बस कह दिया मैंने, पर जा नहीं पाया। क्यों? वहाँ पर आप दोनों नहीं रहेंगे ना? ठीक है, मुझे स्कूल लेकर जाएंगे। इन कपड़ों में कैसी है? लेके जा सकते हैं, मगर आप इतने मॉडर्न कपड़ों में बाहर जाएंगी तो क्या होगा? होगा क्या, पक्षी पानी में तैरेंगे और मछलियां हवा में उड़ेंगी। मर्दों का पैर फिसल जाएगा, औरतों की धड़कन फिसल जाएगी। ये क्या था? लोग कहते लड़कियां हंसती हैं तो फूल गिरते हैं, या तो सामान गिर रहा है। ठीक है, बहुत हुआ, मुझे और मत हंसाइए प्लीज। ठीक है ठीक है, चलिए चलिए। अरे बाप रे भगवान बचाले। वैसे सुनिए, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आप हंसिए मत, हंसी तो कुछ ना कुछ गिरता है। देख रहा है पांडू, इसके लिए अच्छा सोचा, तभी कोई इंसानियत नहीं है इसके अंदर। जाने दे बे चंटी, कभी ना कभी हमारी अहमियत पता चल जाएगी। उस दिन वही आकर हमारे पैर पकड़ के हमसे माफी मांगेगा, देखना। कुछ चीजों को समय पर छोड़ देना चाहिए। हाँ भाई, वैसे कौन था वो? वो कभी हमने उसका बहुत बड़ा फायदा किया था। बहुत अच्छा है ना? क्या अच्छा है बताइए? उसकी हाइट क्या है, आपकी हाइट क्या है? अच्छा होने से हाइट का क्या संबंध है? नहीं तो अच्छा है, वो बाहर से देखने में शरीफ है, अंदर से भूत जैसा है, भूत जैसा है। चंटी ऐसे भूत भूत मत बोल यार, मुझे बहुत डर लगता है। इसके बाद अगर वो दिखाई देगा तो मैं उससे बात भी नहीं कर पाऊंगा। क्यों, तुम्हें भूतों से डर लगता है? भूतों से भला किसको डर नहीं लगता है? ये सब बातें हमसे मत कीजिए प्लीज। कुछ भी हो, वो लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये क्या है यार? सुनिए 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 तो सही। अरे वो आपका भाई होगा जी। वो कैसे? वो प्रेसिडेंट आपके पिता की तरह है ना। ऐसे में उनका बेटा शेखर क्या होगा, आपका भाई होगा ना। सही कहा ना? ओके टीचर मैडम जी, एक मिनट, इसके पहले आप लोगों से मिले मैं आपको बता दूंगा कि हाँ कौन अच्छा है कौन बुरा है। बोले मानो, सबसे प्रमुख ये है ऊपर जो माइक बांध रहा है ना, अरे हाँ, देख रहे हैं, वो आपका भाई होगा। तुम्हारी बहन है ये? नमस्ते बहन जी। ये देखो ए भक्तांजय, ये आपका चाचा होगा। चाचा होगा तेरा पापा। जा जा जा, ये है रेडियो जी, ये आपके भाई लगेंगे, तुम्हारी बहन है ये। अब जरा इनसे मिल लीजिए। तू जा निकल निकल। ये देखो, ये पापा, इनके पिता आपके बड़े पापा होंगे, मतलब ये आपके भैया लगेंगे। आपका पर्स। थैंक यू। और ये आपकी किताब। चलती हूँ। टाटा। वैसे आपने सबके बारे में बताया, पर चंटी और पांडु वो कौन है मेरे ये नहीं बताया। वैसे कोई बात नहीं, आप नहीं बताएंगे तो भी चलेगा। ठीक है यार, तुझे मिलू तो तेरी और मुझे मिलू तो मेरी। हाँ हाँ, पहले मेरी। ठीक है, काम करते हैं। तेरी मेरी। ये फाइनल। क्या है, क्या तेरी मेरी कर रहे हो? दादी तुम्हें एक बात बतानी है, यहाँ पे आओ। क्या है? दादी वो घर के लिए एक बहू लेकर आना चाहते हैं हम। अच्छा, कौन है? वही हमारे गांव में जो नई टीचर आई है ना वो। ओ अच्छा। दादी आज हम उसका आपसे परिचय कराएंगे। वैसे किससे शादी करने वाली है वो? दोनों से। कहे की पागल। दादी 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 रुको तो, बाद में डांटो, पहले टीचर से बात करो ना। मैं नहीं आऊंगी। ऐसा नहीं दादी, मेरी बात सुनिए, उससे पूछते हैं हम दोनों में कौन पसंद है, जिसे पसंद करेगी वो शादी कर लेगा। उसने कहा दोनों पसंद है तो चप्पल से मारूंगी उसे भी और तुझे भी।
देखिए दादी है? वो बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, इसलिए जरा आराम से अच्छे से बात कीजिएगा। उसको सुब्बू के घर में हम नहीं रखा है दादी। आ? आ? अच्छा सुन लो दादी, लड़की के साथ ज्यादा बात मत करना, दो मतलब दो ही शब्द बोलना। आ? बस सिर्फ दो ही शब्द बोलने हैं, लड़की कहाँ है। बहुत बढ़िया, आ गए, देखिए यही उनका घर, आओ ना चलते हैं। आइए आइए, देखिए देखिए दादी यही है, तो कोई नहीं है। अरे दादी ठीक से देखो, वही तो खड़ी है। कहाँ, कोई भी तो नहीं है। दादी देखे तो है वहीं पे, टीवी चल रही है, कोई नहीं है वहाँ पर। देखो पसंद नहीं आई तो बोल दो पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे नाटक मत करो। हाँ अरे निकम्मो, तुम्हारी बातों में आकर मैं घर खुला छोड़ आई हूँ, वहाँ पे कोई नहीं है। दादी दादी दादी, मुझे नहीं देखना है। ओ भाई जरा इधर आ तो। क्या हुआ, अंदर तुझे कुछ दिख रहा है क्या? देख जरा अंदर। अंदर तो कोई भी नहीं है। अरे कोई कैसे नहीं है, वहां पर वो लड़की नहीं दिखाई दे रही है तुझे? तुम्हारी आंखें खराब हो गई है क्या? अरे वहां पर कुछ भी नहीं है, बेवकूफ लोग। चल अंदर देखते हैं। अरे चंटी पंडू, आप लोग कब आए? अरे ये क्या, इससे पहले दादी को आपसे मिलाने के लिए लाए तो आप दिखाई नहीं देती, ऐसा वो कह रही थी। अच्छा, शायद उन्होंने ठीक से देखा नहीं होगा। नहीं, उसके बाद बाहर वो सती जा रहा था, उससे भी हमने पूछा, उसने भी बोला कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उसे। तो फिर तुम दोनों को कैसे दिखाई दे रही हो बेटा? वेंकट लक्ष्मी हूँ मैं। अरे ओ दादी, दादी का थोड़ा गर्म पानी का कपड़ा लगाओ। दादी दादी, पैसे क्यों सता रही है मैं? हमारी बदकिस्मत है, तुम सिर्फ हमें क्यों दिखाई देती हो? क्योंकि मुझे तुम लोगों की जरूरत है। अगर आराम हो गया हो तो काम शुरू करें। अरे पांडू जल्दी वहाँ माता जी के मंदिर चलते हैं, मंदिर में जाएंगे तो वहाँ भूत भी नहीं आएगी। चल चल जल्दी जल्दी। अरे बाप रे मर गए। माता जी माता जी आ रहे हैं हमारे। माता जी पहुँच गए पहुँच गए। बाप रे मर गए। अब तो हमको नहीं मार सकते। उसका रूप देख के लग रहा है कि वो हमारा खून पी जाएंगे। चलिए
मुझे कुछ बात नहीं करनी। शेखर हम बहुत मुसीबत में, हमें बचा ले यार, प्लीज बचा ले। आखिरी बार भरोसा कर रहा हूँ, इसका बस एक ही उपाय है। क्या हुआ रे, भूतों ने धो डाला क्या? उस भूत से पीछा कैसे छुड़ाना है मुझे अच्छी तरह से पता है। छुड़वा दो, छुड़वा दो आपके पैर। जब तक चार सिर पे नहीं मारूंगा वो भूत भागेगा ही नहीं। ऐसी बात है क्या? अरे तो पहले बताना चाहिए था। वैसे वो भूत दिखती कैसी है? दिखती तो मस्त है, अभी भी उतरी नहीं है। घबराओ मत, जो बाबा जी कह रहे हैं वैसा ही करो। शेखर देखना शेखर। हर इंसान की एक इच्छा होती है, अगर वो इच्छा पूरी ना हो और इंसान मर जाए तो वो भूत बन जाता है। पहले भूत की क्या इच्छा है ये पता करो, इच्छा पूरी होते ही वो भूत तुम्हारे रास्ते से चला जाएगा। हाँ। तो अभी वो भूतनी कहाँ होगी? क्यों बे, तू नहीं आएगा क्या? भूत किसे दिखाई देता है? कोई। तो फिर अंदर किसे जाना चाहिए? अब समझ में आया ना, अंदर जाओ। मुझे शमशान से वैसे भी डर लगता है। हमें डर नहीं लगता है क्या? चलो जाओ। जाना तो पड़ेगा ही, चला जा। अंदर जाओ। अरे नहीं होगा, जाओ अंदर। क्या होगा चंटी, ये भूत लोग कहाँ होते हैं? बुढ़िया को भी साथ में लेके आना चाहिए था। बीच में वो क्या करेगी चंटी? अगर दादाजी होते तो वो दादाजी से मिलती, थोड़ी हमें हिम्मत मिल जाती चंटी। आओ मेरे पास आओ। वेंकट लक्ष्मी, तुम्हें क्या चाहिए? तुम सिर्फ हमें क्यों दिख रही हो? मेरा एक काम कर दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मेरे लिए कोई भी काम करोगे क्या? करेंगे करेंगे लक्ष्मी, हम सब कुछ करेंगे। नागम पेठा के बिचारे जी को जानते हो? इंसान के बारे में इंसान को पता नहीं होता, पर राक्षस के बारे में जरूर पता होता है। बोलो, उसके जैसा कमीना कोई नहीं होगा। नागम पेठ में उसका एक घर है, उसके घर में एक बेडरूम है। घर है तो बेडरूम तो होगा ही। उस बेडरूम में एक पलंग है। बेडरूम में तो पलंग होता ही है ना। उस पलंग के बगल में एक तिजोरी है। होगा ही। उस तिजोरी में एक छोटा डिब्बा है। हाँ है तो वो ला कर मुझे दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूँ। क्या 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 क्या? नागम पेट जाकर वीरा रेड्डी के घर में जाकर, उसके बेडरूम में जाके तिजोरी में से वो डिब्बा लेकर आना होगा। एक बार अंदर जाएंगे तो बाहर नहीं आ पाएंगे दीदी। असल में ये खबर उसे पता चलेगी तो वो क्या करेगा पता है ना? नहीं लाओगे तो पिशाच कैसे मारते हैं पता है ना? लाओगे या नहीं ये मैं तुम पर छोड़ती हूँ। सिर्फ गिफ्ट पैक के लिए इतनी देर से क्या कर रहे हो तुम लोग? शेखर, 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 बचा ले।
हमारे अच्छे दिन चलेंगे। लक्ष्मी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ए, ए, उठो जल्दी। क्यों बे? इतनी देर तक सो रहे हो? अरे शेखर, चंडी, मतलब ये सब सपना था? तुम्हें भी? मतलब वो टीचर, भूत, वीरा रेड्डी, वो सब सेम टू सेम एक ही सपना हम दोनों को कैसे आया? ऐसा कैसे हो सकता है? चलो जल्दी रेडी हो जाओ। चलो उठो उठो, जल्दी उठ, चल। हां जा रहे हैं, जल्दी रेडी हो, चल। हमेशा टाइम लगाते हो, जल्दी करो। अरे ठीक है, चल चल, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बड़ा आया भाव खाने वाला। बांडू क्या हुआ बिचंटी? क्या डिसाइड किया? हमें थोड़ा टाइम चाहिए। जल्दी से डिसाइड कर लो, मैं इंतजार नहीं कर सकती। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, चाय पीना है। वो चाय भी पीते हैं क्या? पीते हैं ना, खून के साथ मिलाकर। भूत होकर मासूम इंसान को सताती हो, ये अच्छी बात नहीं है। और तुम खुद भूत हो तो वो डब्बा खुद ही ले सकती हो जाकर। वीरा रेड्डी ने घर के चारों ओर बंधन डाल दिया है, मैं उसे पार नहीं कर सकती, इसलिए तुमसे कह रही हूँ, लाओगे या नहीं? हमें थोड़ा टाइम चाहिए। फिर से क्या हुआ तुम्हें? अरे इधर आना। कुछ नहीं यार, वो तो आइडिया मास्टर है ना, तो कोई आइडिया देगा इसलिए बुला लिया। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ ना, वो क्या ना कि वो तो समझा करना, तो दोस्त है। ए वीरा रेड्डी इंसान है, उसे कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। ये वेंकट लक्ष्मी वो भूत है और तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है, और इससे बचना बेहद मुश्किल है। सच है यार, भूत से बचना मुश्किल है। यार भूत के हाथों मरेंगे तो हम भी भूत बन जाएंगे, सुना है? ये सच है क्या? अबे इससे क्यों, उससे ही बात करते हैं, चल। हाँ ठीक है, तू जा। क्या? तू जा, जा जा। ठीक है, मान रहे हैं। किस लिए? मरने के लिए क्या? नहीं नहीं, वो जाकर वो डब्बा लेकर आने के लिए। अच्छा है, तो फिर जाओ और काम पर लग जाओ। अरे चंटी, मुझे डर लग रहा है यार। अबे मुंह बंद कर, चुपचाप चल। इसकी तो, अरे बाप रे, कितना बड़ा बंगला। नहीं कोठी है। दोनों में फर्क क्या होता है? खुद के लिए बनाया तो बंगला, लोगों के लिए बना तो कोठी। ओ मुझे दे, मैं खिलाती हूँ। गौरी चल चल, लक्ष्मी खा लेना। हमने क्या सोचा था, ये तो यहाँ पे नौकरानी है। नौकरानी? हाँ देख। अच्छा, हाँ यार ये तो नौकरानी है। अब देख लिया, तुम इसे खिलाओ, मैं अभी आती हूँ। जी फिर क्यों आए हो यहाँ? उसी ने भेजा ना तुम दोनों को? हम यहाँ दूसरे काम से आए हैं, तुम हमें यहाँ पे काम पे लगवा दो, समझी? जी, तुम जैसे लोगों को घर से बाहर निकालते हैं, घर के अंदर नहीं लेते। अपमान। ए, तुम क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें देखने से मेरा खून खौल जाता है। गौरी प्लीज, इनका उस घर में जाना बहुत जरूरी है, प्लीज समझो, मना मत करो। जो भी बात हो, पर मैं नहीं मानूंगी और मेरे भैया भी नहीं मानेंगे। कौन है तेरा भैया? कौन है तेरा भैया? नौकर है? दो ए, तू रुक ना, रुक रुक। ए, बुलाओ उसे, मैं भी देखता हूं कैसे नहीं मानेगा। ए, चुप कर, इसका भाई को नौकर नहीं है, घर का मालिक है, वीरा रेड्डी। वीरा रेड्डी? वीरा रेड्डी क्या बात कर रहा है? तुम वीरा रेड्डी की बहन हो? हां हूं। अरे तुझे इस बारे में पहले से पता था? पता था। तेरी तो, ए तुझे ये बात पहले पता थी क्या? पता थी। अबे ऐसे शर्मा मत रे, दोबारा बंद कर रहा है कि मर जाए। ए पांडू, काम खत्म हो गया। हमने क्या किया है पता है तुझे? साक्षात वीरा रेड्डी की बहन को किडनैप करके
हमने इस कमीने के साथ लगा दिया। अरे चंटी, हमारी मौत यहीं पे होने वाली है। एकदम सही कहा। अभी जाकर भैया को बताती हूँ, तुम्हारी मौत अभी होगी। मेरी बात सुनो प्लीज, मत बताओ। क्या बताओगी तुम? देखो गौरी, हमारी बात मानोगी कि नहीं? और नहीं मानोगी तो? जिसने हमारी हिम्मत देखी उसकी मौत हो चुकी है, पता है? और मेरी एक बात बोलने से तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम्हें पता है? पांडू, हमारी बात होनी ही चाहिए, समझे? वो वीडियो दिखा दे। वीडियो दिखा दे इसको। देखो गौरी जी की रिकॉर्डिंग, दैट्स ट्रू। कैसे कमीने हो, ये भी रिकॉर्ड कर लिया? अबे कमीनों, दोस्त को धोखा देते हो तुम। अबे वही धोखा अब हमारी मदद करेगा। देखो तुम क्या करोगी हमें नहीं पता, बस हमें यहाँ पे काम पे लगा दो। ठीक है, लगा दूंगी। अरे क्या रे शेखर, पेड़ काटने में जितना दुख होता है और फिर उस लकड़ी से पलंग बनाने में जितना अच्छा लगता है, ये कुछ वैसा ही मामला है, समझ गया? बिल्कुल, ये ठीक नहीं कर रहे हो। कोई बात नहीं, चल रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। क्यों ऑडिटर, क्या हाल चाल है हमारे अकाउंट्स के? बहुत अच्छा चल रहा है सर, एक रुपए की भी गड़बड़ ना होता है वो अच्छे से मेंटेन कर रहा हूँ सर। वो हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, इसलिए अच्छे राइटर को रखा है। और उसमें जो 10 लाख रुपए हैं उसे लेकर घर जा। इसमें वो तेरे लिए, लेकर जाना। मेरे लिए? हाँ, और क्या, वाकई मेरे लिए। लेके जा, लेके जा। ठीक है सर, लेके जाता हूँ सर। सर थैंक यू सर, थैंक यू। इधर आ, इधर आ सर। हाँ ना, ये सर। कभी भी मेरे पैसे को हाथ मत लगाना, अगर मैंने दे भी दिया तो भी लेके मत जाना। कभी मूड में अगर कह दिया तो ये मत सोचना कि मैंने सच में दे दिया। तू अभी नया है ना, इसीलिए तू मेरे नेचर के बारे में नहीं जानता। सर कभी नहीं लूंगा सर। आप मेरे पैर पकड़ के कहेंगे ले जाओ तो भी नहीं ले जाऊंगा। फिक्स है सर, फिक्स। अच्छा है, अच्छा है। सर, खराब है तेरा। देख मेरी बहन आ रही है, चेहरे पर मुस्कान रखना थोड़ा। मुझे बहुत लग रहा है, कैसे चलूंगा। भैया ये दोनों अच्छा काम करते हैं, इन्हें काम पर रख लीजिए ना। इन दोनों को तुम पहचानती हो क्या? हाँ, बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। कहाँ से हो? पल्लमपुर से। और नाम? मेरा नाम सुरेश। रमेश है जी। क्या काम करते हो? खेतों में वीडियो बनाता, खेतों में काम। क्या कहा? खेतों में अच्छे फिगर देके। जी जी, खेतों में हम पानी देते हैं, अनाज को पानी देते हैं। ठीक है, ठीक है, तुम दोनों यहाँ काम कर सकते हो। जी थैंक यू सर। जाके बुल रेडी को जरा भेज। ठीक है मालिक। कितनी बार तुझसे कहा है कि ये पान बीड़ी छोड़ दे? भाई आप कुछ भी बोलो, मैं इसे नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे इसकी आदत लग गई है। चुप, इन दोनों को काम पे लगा। तू आ जा बहन। इन दोनों को क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम दोनों को देखकर लग रहा है कि तुम लोग अच्छे हो। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वैसे देखने से आप बहुत समझदार लगते हैं सर। क्यों भी, काम हो गया क्या? हम जो सोचते हैं वो मिस होता है क्या? थैंक्स गौरी। छुओ मत मुझे, ब्लैकमेल करके अपना काम करवा लिया और थैंक्स कह रहे हो। इसके बाद से मेरा तुम लोगों से कोई संबंध नहीं, यही कहने आई हूँ। और अगर कुछ गड़बड़ हुई ना, भैया मार डालेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। और पहले ही बता देती हूँ, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। बाय। ये तो एकदम भाव खा के चली गई। अब तो काम पर लग गए हो, अगला कदम हमें काम शुरू कर देना है। तो शुरू करो। सुन दो, जाने दे, चलना। वैसे वो डब्बा कब मिलेगा पता नहीं, पता नहीं। देखते सर, एक मिनट। कॉफी? क्या ये कॉफी के प्लेट को तुम दोनों ने पकड़ रखी है? वो इसने गैस जलाई, इसने बर्तन स्टोव पे रखा था, इसने दूध डाला, इसने कॉफी पाउडर डाल दी, इसने शक्कर डाली, इसने गैस बंद कर दिया, इसने कॉफी कप में डाली, इसने कप को सॉसर में रखा। हम जो भी करते हैं मिलकर ही करते हैं सर। मिलके करते हैं सर, मिलके ही पकड़ते हैं सर। मतलब आपका कप पकड़ेंगे सर। चलो अच्छी बात है। अरे कौन है ये लोग, बड़े नमूने आदमी हैं। भिखारी हैं भैया।
रोड पर भीख मांग रहे थे इसलिए यहाँ ले आई। ठीक, लेकर जाओ इसे। हाथ धो के कॉफी बना दो सर। हेलो, हाँ हाँ ठीक है आ रहा हूँ। सोने की चिड़िया। ए, हंस क्यों रहे हो तुम दोनों? हंस क्यों रहे हो? उस वेंकट लक्ष्मी ने हमारे भाग्य खोल दिए हैं। वेंकट लक्ष्मी ने हमें उस तिजोरी के बारे में बताया नहीं होता तो वीरा रेड्डी की संपत्ति के बारे में कैसे पता चलता? मतलब तुम दोनों वेंकट लक्ष्मी की बताया अनुसार डब्बा लेकर नहीं आओगे? लाएंगे, ऐसा कहेंगे, लेकिन उस डब्बे के साथ हम जंप हो जाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं यार। वेंकट लक्ष्मी के डब्बे के साथ चंटी पंडी स्वाहा। भूत को भी धोखा देने का सोच रहे हो? उसे पता चला तो? कैसे पता चलेगा, वो किसी को दिखती नहीं है, इसलिए तू कहेगा किससे बोला? हम नहीं बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा। अब बोल दिया ना। क्या हुआ यार? तुम दोनों इतने कमीने हो, इसलिए तुम्हारे पीछे रहूंगी। अब तुम्हें मारने तक नहीं छोड़ूंगी। यार तुम दोनों अभी बहुत ओवर एक्टिंग कर रहे हो। यहाँ पर भूत है, मैं कैसे मान लूं? हाँ, मुझे भूत वाली कोई फीलिंग नहीं आ रही है। शेखर, अबे अभी किसी लड़की ने मुझे पुकारा यार। अब से मैं जो भी कहूंगी इसे भी सुनाई देगा, है ना शेखर? हाँ वेंकट लक्ष्मी। काम खत्म हो गया इसका भी? अभी शुरू हुआ। पहले ये बताओ, कोई रास्ता मिला क्या? रास्ता क्या, बड़ा हाईवे मिला। मतलब तुम्हारा दिमाग मरने से पहले गया या मरने के बाद गया? लेकिन सुनिए, इतने आसान सवाल से आपको फील हो रहा है क्या? आसान मतलब? आसान मतलब ये सब देखने के बाद हमें ये समझ में आया कि उस घर के लोगों को रात को सोने से पहले गाय का दूध पीने की आदत है। उस दूध में नींद की गोली अगर मिला दी तो नाइट में पूरा स्लीपिंग, हम हमारा डिब्बा लेके रनिंग। तुम अर्जेंटली जाके वो टैबलेट लेके आना, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। ठीक है, चंटी पंडू ने भेजा ऐसा कहना। ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय बाय वेंकट लक्ष्मी, तुम्हारा काम हो जाएगा समझो। चल रहे, बिलीव मी। चलो। नमस्ते साहब, हमारी बेटी की शादी के लिए 2 लाख दे देंगे तो? हमारा तरीका पता है ना? मालूम है साहब, इसलिए तो खेतों का कागज लेकर आए हैं। दो लाख काफी होंगे या फिर 3 लाख चाहिए? 2 लाख काफी है साहब। यहाँ पे अंगूठा लगाओ। ए, कितनी बार तुझे छोड़ने के लिए कहा है? बाहर जा। सर कौन है ये? सर जब देखो लोटे में थू थू करता रहता है, आपका पता नहीं। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है सर, आपके कारण रुकाऊं? वो देखो पोज, देखो उसका पोज, उसके मुंह में पान ज्यादा मुस्कान कम है। बाहर निकालो सर ऐसे आदमी को। इतना मुझ पे 2 बार अटैक हो चुका है जिसने उसे अपने ऊपर झेल लिया, इसलिए ऐसी छोटी मोटी बातों पर मैंने ध्यान देना बंद कर दिया। अगर तू कर सकता है तो बता। नहीं सर, पार के लिए जान क्यों दांव पे लगाऊं? ये लीजिए मालिक, ये पेपर्स बैंक मैनेजर को देना और 20 लाख लेके आ जाना। सोच क्या रहा है, समझ में नहीं आया? आ गया सर, उनके खेतों के कागजात गिरवी रख के 2 लाख दिए। वो कागजात बैंक में रख के 20 लाख लाने को कह रहे हैं आप? गोदावरी नदी का पानी पीने वाले किसी को भी आइडिया नहीं आएगा। समझ में नहीं आया सर, वो ये कागजात डायरेक्ट बैंक में लेकर क्यों नहीं गए सर? अगर वो लोग इसे लेकर जाते तो बैंक मैनेजर मना कर देता। हम जाएंगे तो? 2 बार चलेगा, ऐसा कहेंगे वो हम लेकर गए तो। अरे बाप रे, मैंने सीए पढ़ते वक्त भी इतना नहीं सीखा, महान हो आप। क्यों बे, ये कहीं किसी को पता ना चल जाए? अरे नहीं पता चलेगा यार, तू मिला देना, कोई आ जाएगा जल्दी कर। हाँ चल, मिला दिया।
कोई तुम्हारा जल्दी मिला। हाँ मिला दिया। अरे आजा चल 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 आजा। ले लो। ए, मुझे नहीं चाहिए, ले जा। हाँ मुझे नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए, लेके जा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेके जा। मना क्यों कर रहे हैं? इन सबको बराबर आज ही बोर होना था क्या? तुम सबको क्या हुआ है? अरे रोज रोज दूध पी के बोर हो चुका हूँ मैं। हाँ हम दूध नहीं पियेंगे, ये क्या हंगामा हो रहा है? सिल्की को दूध देने के लिए कह रहे भाई। ठीक है पी के सो जाओ। आज अपना मैटर रिवर्स कैसे हो गया? कुछ ना कुछ तो करना होगा। चलो। अरे बाप रे, पांच मिनट में सब सो जाएंगे। सबको नींद आने के बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। हेलो, कहाँ पे हो? अच्छे। ए जल्दी निकलो, तुम लोग क्या कर रहे हो अंदर? ये क्या यार, शांति रखने की बजाय हरकतें शुरू हो गई। कहां सब गड़बड़ हो गई यार। ए चंडी, तू यहां क्या कर रहा है? ये हो क्या रहा है? चलो रोमांस की गली में। ए चंडी, अरे बाप रे, अरे नींद की नहीं दी क्या? अरे क्या हो रहा है? अरे कहां जा रहे हो? अरे ए चंडी, इधर चल। गौरी 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 दरवाजा खोलो। गौरी दरवाजा खोलो। गौरी दरवाजा खोलो। गौरी अपना मुसीबत में जाओ। तुम लोग यहां से आ जा रही हो। दरवाजा खोलो। हाँ, तुम लोग चलो, मैं बस अभी आया। ठीक है भैया। हाँ, ठीक है जाओ। हाँ बोलो सर, एमएलए सर आपसे बात करना चाहते हैं। अरे वाह, आज मंदिर बहुत खिला खिला लग रहा है। हाँ रे, आज तो कोई त्योहार नहीं है, कोई फंक्शन भी नहीं है। आओ बेटी, आओ आओ। ये क्या पंडित जी, आज कुछ स्पेशल है? हाँ बेटी, उस लड़के के लिए स्पेशल है। आज के दिन उसकी होने वाली बीवी का जन्मदिन है। रात को 12 बजे से पहले मंदिर साफ करके सजा के प्रसाद बना के जिनका कोई नहीं है उनके लिए अन्न दान कर रहा है वो लड़का। गौरी, प्रसाद ले लो। वेंकट लक्ष्मी, ये दोनों नीचे ही हैं। क्या है वो कहना कि कल हमारा प्लान वर्कआउट नहीं हुआ ना, तो थोड़ा बुरा लगा होगा भाई। मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता। वेंकट लक्ष्मी आओ आओ ना। पर एक और आइडिया नहीं बताया तो बुरा लगेगा। आइडिया कोई आम है क्या कि जो तोड़ा और खा लिया? अगर हिम्मत है तो कोई आइडिया बताओ, हम भी देखते हैं। आइडिया? हाँ आइडिया मतलब अरे चंटी, वेंकट लक्ष्मी बहुत सुंदर है ना यार। अरे उसकी कमर तो देख कितनी चिकनी है। भूत है वो, इंसान को कभी अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए। आइडिया बताओ बताओ। क्या आइडिया?
इफ वी क्रिएट अ डाइवर्जन. हिंदी 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 में. मुझे समझ में आया, मैं बताता हूँ. हाँ बोलो 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 बोलो. हम एक डाइवर्जन क्रिएट करके सबको एक तरफ ले आएंगे, फिर अपना काम पूरा कर सकते हैं. वो सब तो अच्छा है, लेकिन ये डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन नहीं, डायवर्जन. मतलब रास्ता भटकाना. रास्ता भटकाना समझ में आ गया, पर वो डायरेक्शन क्या करना है, कैसे करना है? आइडिया. क्या आइडिया? सिल्की का रेप कर देते हैं. मतलब सिल्की का रेप करने का नाटक करेंगे, तो वो सब उस तरफ आएंगे और फिर हम जाकर अपना काम पूरा कर देंगे. पहले कौन जाएगा मैं बताता हूँ. पहले जाएगा पांडू. हाँ क्यों, ऐसा क्यों? तू ताले को बिना चाबी के भी खोल सकता है, तू वही काम करेगा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. जो करोगे जैसा करोगे, इस महीने की 28 तारीख के अंदर मुझे वो डिब्बा चाहिए. अच्छा उसके बाद होगा तो? उसके बाद होगा तो मेरी आत्मा नहीं. मतलब तुम यहाँ पे नहीं होगी तो चली जाओगी क्या? चली जाओगी ना, चली जाओगी ना. जाऊंगी पर तुम दोनों को मार कर अपने साथ ले जाऊंगी. 28 तारीख है ना, हो जाएगा, हो जाएगा आराम से. सर आपने बुलाया क्या? इस सूटकेस में 5 लाख रुपए हैं, लेकर जाओ. वो देखो वहाँ पर है. सर आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कहो, आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए. कसम खा के कहता हूँ, आप अगर मुझे मार भी डालोगे तो भी मैं सूटकेस को हाथ नहीं लगाऊंगा. तो इसमें नाटक क्यों कर रहा है? नहीं चाहिए तो ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न के पैसे थे, आखिरी तारीख भी आ चुकी है. अगर तुझे नहीं लेने हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं चलेगा, तू अपने पास से पैसे भर दे. मैं समझ गया सर, इनकम आपकी टैक्स मेरा. ए पांडू तू जाके सिल्की को संभाल, सब यहाँ पे आएंगे, मैं जाके डब्बा उड़ा दूंगा. ओके संभाल के चल. आ रही हूँ. क्या है, क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्यों सिल्की ऐसे देख रही हो? हाँ पांडू, जब से तुम्हें देखा है मेरे तन बदन में आग लगी है. वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम डर के मारे चीखो चिल्लाओ सिल्की. अरे चीख आएगी ना, करेंगे तो अच्छा होगा. क्या चीख तो मैं तेरी निकालूंगी. अब चिल्ला मत, मैंने कहा चिल्ला मत. चुप चुप. अरे क्या कर रही हो? अंदर कुछ मामला अलग है. पांडी पता नहीं क्या कर रहा है, अंदर ही जाके अटक गया. तो एक काम कर, जाके खिड़की से देख के क्या हो रहा है. जाना अंदर क्या हो रहा है पता तो चलना चाहिए. जा. अरे यहाँ मुझे बचा ले. अबे क्या हुआ तुझे? अरे बचा. क्या हो गया? रेप करेगा मेरा निकम्मा कहीं का. ये आवाज कैसी? रेडियो लगाया था मालिक. ठीक है सो जा और रेडियो को बंद कर देना. भूतों से भी ज्यादा भयंकर रो रहा है तू. तुझे क्या मालूम दर्द क्या होता है? बाप रे. ए पांडू क्या हो गया यार? ठीक है दर्द कहाँ हो रहा है ये बता. कौन सी दवा है बेबो? अरे वैद्य जी ने दी है, इससे दर्द कम हो जाएगा. अच्छा चल दिखा मुझे. ला मुझे. अरे दे. अरे देना. यहाँ क्यों रहा है? वहीं पे दर्द हो रहा है. असल में तुम लोग हो कौन और क्या करने आए हो यहाँ? गौरी मेरी बात तो सुनो. देखो तुम कमीने हो ये तो पता है, मैंने सोचा बीती बातें भूल जाओ, लेकिन तुमने फिर से प्रूव कर दिया, उसके लिए थैंक्स. ओए तुम दोनों से कह रही हूँ, वो मेरे भैया का घर है, मतलब मेरा घर है. गलती करोगे ना तो तुम्हारे दोनों हाथ और दोनों पैर तोड़ दूंगी और तुम्हारी जान ले लूंगी.
गौरी मेरी बात तो सुनो तुम। हाँ छोड़ो मेरा। बात वो नहीं है गौरी। क्या है, क्यों हंस रहे हो तुम दोनों? मैंने जो कहा वो समझ में आया ना? हाँ अभी समझ में आया। मुझे भी अभी समझ में आया है चंटी। क्या है बे? घर उसका ही है मतलब ना? ये सरदर्द भी उसका ही ना? तो वो डब्बा मतलब भी उसी का है। लेके दे सकती है ना? तुम्हारी बात ये है कि उस डब्बे के बारे में इधर बताता हूँ। क्या है कि वो सब कुछ तुम्हारे ही घर से होने वाला है, समझ गई? तो तुम वो काम मेरे हाथ से करवाना चाहते हो? मैं मर जाऊंगी पर मानूंगी नहीं। तुम मानोगी? मानना ही होगा। इसे क्यों बीच में ला रहे हो? गौरी तुम रहने दो। तुम चुप रहो। मैंने कब कहा कि मैं करूंगी जो रहने दो कह रहे हो? नहीं करोगी? हाँ नहीं करूंगी। देखो अब भी नहीं करोगी? क्या है ये? गौरी हम सॉरी, गौरी आई एम वेरी सॉरी। अरे चंटी रोने का मतलब क्या है गौरी? प्लीज इसका मतलब ये है कि प्लीज गौरी आई एम सॉरी कराएगी, लेके आएगी, मुझे माफ कर। तू जा रही है गौरी? गौरी गौरी आएगी, आएगी, लेकर आएगी, लेकर आएगी। एक नंबर की कमीनों तुम दोनों। हम जो गलत काम कर रहे हो उसमें किसी की भलाई भी होगी, ये अभी समझ में आया। पांडू वेंकट लक्ष्मी भी हमारी पार्टी में आ गई, अब हमें कोई नहीं बदल सकता। एक्स्ट्रा बात करोगे तो मैं बदलूंगी तुम्हारे बॉडी पार्ट्स। बहुत बढ़िया, दोनों के पार्ट्स बदल दो तुम। अरे वो डब्बा हम लोग देख लेंगे, तू चल पांडू। नमस्ते। कहाँ गई? रुक। बाप रे, रेपिस्ट। यही रुक जाओ। Congratulations. क्या हुआ? आपकी बहन माँ बनने वाली है। भाई ये बोल रही है बहन माँ बनने वाली है, मतलब तुम मामा बनने वाले हो? अब तो गांव में जश्न होगा भाई, जश्न। क्या बात है, सब लोग इतने खुश क्यों हैं? हमारी गौरी माँ बनने वाली है। ऐसा क्या सर? कॉन्ग्रेचुलेशन सर। वैसे शादी कब है सर? क्यों कांप रहा है इस तरह? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मतलब? भाई बात यह है भाई, जब मेम साहब को ट्यूशन के लिए ले जा रहा था मुझे ऐसा लगा किसी ने पीछे से सर पर मारा। जब मेरी आंखें खुली तो सिर्फ ट्यूशन मास्टर सामने था। उस टीचर को लेकर आ। ठीक है भाई। ए, चलो रे। चलो। चला भाई ट्यूशन मास्टर। मारा क्यों सर? मार क्यों रहे हैं सर? कौन है बेबो? सर उनका चेहरा मैंने भी नहीं देखा, पर गेट पार करते वक्त वो चंटी पांडू बुला रहे थे, ये मुझे अच्छी तरह से याद है। कौन रहे थे वो? वो पालमपुर ऐसी बात कर रहे थे ये मैंने सुना है। ए, इस वक्त यहाँ पर पालमपुर वाले कौन है? अरे बाप रे क्या हुआ कह रहा है? वो पेट से है क्या? कैसे
कैसे हो गया ये? वो डब्बे वाला मैटर बेवजह में उसे बता दिया। हाँ, डायरेक्टली हम ही लाते तो अच्छा होता। अब देखो वो सुन लिया क्या? क्या हुआ? भाई तुम दोनों को बुला रहे हैं। भाई बुला रहे हैं। आपने कुछ सुना तो नहीं था? हमारे भाई जो बोलते हैं उसके अलावा मैं कुछ नहीं सुनता। सुनिए, आपके जैसा समझदार भाई के बगल में हो तो भाई हमेशा खुश रहेंगे। चलिए देखो कैसे चले के झाड़ पर चढ़ गया। भाई भाई रमेश सुरेश भाई, हाँ भाई। चंटी पांडू भाई, वो दोनों कौन है तुम्हें पता है? पता नहीं भाई। ए, तुम्हारा कौन सा गांव? पालमपुर भाई। उस गांव में चंटी पांडू है क्या? पालमपुर में चंटी पांडू है भाई। मेरे आदमियों के साथ जाओ और इसी वक्त उन्हें लेकर आओ। चंटी पांडू को कैसे लाएंगे? चल रे। भाई पालमपुर तो आ गए हैं, चांटी और पांडू को यही मारना है कि उन्हें लेकर जाना है। यहाँ पे नहीं रहे, वहाँ पे लेकर जाएंगे और भाई जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तू जल्दी चल, चल। नहीं उधर नहीं, इधर इधर। ठीक से बता कहाँ, कितना चलाएगा भाई? चलते चलते पांव दर्द दे रहे हैं। तो थोड़ा ही दूर रह गया। कितना घुमाओगे? सुबह से घूम घूम कर थक गया। घूम घूम के ढूंढेंगे तो ही तो पता चलेगा ना कहाँ है। सुबह से पूरे गांव का दो बार चक्कर लगवा चुका है तू। तो फिर आप ये रुके, हम जाके पूछ के आते हैं। पूछ के चलो चलो। चाचा वो चंटी पंडू को देखा है क्या? मैं यहाँ पर आराम से सुट्टा पी रहा हूँ, तुम सवाल पूछ रहे हो, निकलो यहाँ से। अरे उसने तुम्हें मारा क्यों? पता नहीं भाई, चंटी पांडू को गांव में कोई पसंद नहीं। भाई भाई भाई, हम नागम पेट चले जाते हैं। आओ ना। चलो, 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 चलो। वहां हम उन दोनों को लेकर ही जाएंगे। जा किसी और से पूछ, जा। चलो भाई। अरे क्या भाई, कोई बात नहीं, बस थोड़ी दूर है। भाई भाई वो नारियल वाले से पूछे क्या? जा पूछ यार। अरे बाप रे, इतनी देर से कोई आई नहीं। अरे सुधरना, वो चंटी पांडू को कहीं देखा है क्या? चंटी पांडू? उनके बारे में पूछो तो लोग मारते हैं। भाई नागम पेट चलते हैं। चलो भाई, नागम पेट, नागम पेट जाएगा। जा जाकर उस आदमी से पूछ। क्यों रे, मेरे कहे अनुसार ही डेटिंग कर रहा है ना? रुक रे, उससे जाकर हम पूछेंगे। चलो और। अरे भाई सुनो, चंटी पांडू कहाँ है पता है तुम्हें? तेरे पीछे ही खड़े और मुझसे पूछता है कहाँ है वो? लगता है सब यहाँ पागल हो गए। चल रहे। अरे पीछे से दोनों भाग रहे हैं। भाई जल्दी 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 जल्दी। अरे ऐसे कहाँ भाग कर जा रहे हो? चंटी और पांडू वो दोनों तो बस से मुंबई चले गए हैं। मुंबई? मुंबई क्या बात कर रहे हो तुम लोग? मुंबई चले गए क्या? भाई वो मुझसे भाग नहीं सकते। ए, तुम सब इसी वक्त मुंबई जाओ। मुंबई में वो कहीं पर भी मिले उन्हें पकड़ कर मेरे कदमों में लेकर। ऐसे क्या देख रहा है बे? क्या देख रहा है ऐसे? भाई मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। भाई मेरे पास भी नहीं है। भाई मेरे पास भी पासपोर्ट नहीं है। पासपोर्ट तो मेरे पास भी नहीं है। सर अभी के अभी इतने आदमियों का पासपोर्ट रेडी करना बहुत मुश्किल है सर। वैसे भी इतने लोगों को भेजोगे तो खर्चा बहुत होगा, इसलिए कहा। मालिक मेम साहब अंदर रो रही हैं। गौरी कैसी है तू? भैया
मुझे लगा था आपका पहला सवाल होगा कि वो कौन है। मेरी गौरी, तू कुछ भी करेगी पर गलती नहीं कर सकती, ये मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। बोल ना दे, ये सोच के डर लग रहा था भाई। सच है भाई, तुझ पे जो गुस्सा है वो कहीं हम पे ना दिखा दे, इसका डर था। उस महारानी ने बताया ही नहीं। ए पांडू, अगर वो माँ बनने वाली है तो इसका मतलब ये पिता बनने वाला है? फिर नहीं तो क्या। मुबारक हो भाई शेखर। वैसे भी तुझे इतनी जल्दी क्यों है भाई? अबे यार तू डंडा क्यों उठा रहा है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो तुम दोनों ने किया। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। उधर देख, उधर देख, उधर 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 करे। गौरी मेरी बात सुनो। शेखर, अरे बचा लिया उसने। क्यों रे, अब इसके बाद क्या करना है? क्या करना है? सोच रहे कि हम मर जाए फिर भूत बन के तुझे ही मार डाले। हमारी भी फीलिंग्स है, हम भी इंसान ही है, हमें भी रिलैक्स, रिलीफ, गैप, ब्रेक ये सब तो चाहिए होता है ना। भगवान के लिए हमें छोड़ दो। आपके सामने नाच के। अरे प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, चलो 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 बाय, चलो जल्दी। अरे आ रही है, आ रही है, थोड़ा तो सब्र करो ना, आ रही है वो। प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, हमें एंजॉय करने दो। हाथ जोड़ रहे, हमें छोड़ दो भाई, प्लीज हमें छोड़ दो। ठीक है, जाओगे? जाओ। गौरी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, गौरी मेरा यकीन करो। गौरी आई लव यू। गौरी मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। कल आखिरी दिन है, कल अगर तुम लोग वो डिब्बा लेकर नहीं आए तो फिर से उसे लाने की जरूरत नहीं होगी। ये क्या विकट लक्ष्मी, इतने दिनों से तुम्हें देखकर डर के मारे हम लोगों का सर भारी हो जा रहा था, लेकिन अब हमारा दिल भारी हो रहा है। वेंकट लक्ष्मी, तुम्हें कभी ऐसे देखा नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसे देखने के बाद अंदर से तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करना है ऐसा लगता है। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, सब तो ट्राई कर लिया हमने। ए चंटी, पांडू 11 बजे तक वो वीरा रेड्डी 11 बजे तक डिब्बा लेकर लॉयर के पास जाने वाला है, ये एक ही खबर काफी है। भले ही कुछ हो जाए वो डिब्बा ला कर रहेंगे। हाँ चल रहे चंटी। भाई को उठाओ, चलो 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 चलो
संभाल कर क्या हुआ भाई? अरे अच्छे से लेकर संभाल कर लेकर चल चल। भाई को क्या हुआ? फिसल के गिर गए भाई। बहुत चोट लगी है उनको। चल 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 गाड़ी में लाओ। अरे क्या कर रहा है तू? संभाल कर, नीचे उतारो, नीचे उतारो मुझे, उतारो उतारो उतारो। अरे चंटी पांडू आई है, पकड़ो उन्हें, जल्दी जाओ। सब यहां पे क्या कर रहे हैं? अरे वो आ रहा है यार, वो संभाल के रहे। ए चंटी और पांडू को हमारे पास भेज दो, एक एक को काट कर रख देंगे हम। चंटी पांडू को हाथ भी लगाया तो हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। तुम में से कोई नहीं बचेगा, सोच लेना। चलो रे, चलो जा जा, जो करना है कर लेना। क्या रे सत्या? दादी तुम सब यहाँ क्यों आई हो? दादी तुम्हारे लिए आए हैं। हमारे लिए? लेकिन क्यों? तुमने जो डिब्बा लाया ना उसके लिए। डिब्बे के लिए? वैसे भी वो डिब्बे के बारे में हमें और वेंकट लक्ष्मी को पता है, तुम्हें कैसे पता चल गया? वेंकट लक्ष्मी का नाम क्यों ले रहा है? सब हमें बेवकूफ समझेंगे। वो बात करेगी तो किसी को सुनाई भी नहीं देगा। तू तो जानता है, फिर भी नाम ले रहा है उसका। तुम्हें नहीं, वो लड़की सबको दिखाई देती है। तुम्हें दिखाई देती है? अच्छा तो बताओ उसने कौन से कपड़े पहने? सिल्क की साड़ी। कॉटन की साड़ी? कॉटन की साड़ी हो या सिल्क की साड़ी हो, कौन से रंग की है बताओ? सफेद के ऊपर काली। अरे बेवकूफों, वेंकट लक्ष्मी भूत नहीं है, इंसान है। इंसान है? अरे हम सब ने ये नाटक खेला था। नाटक खेला था? क्यों रे शक्ल भी शामिल था? अबे तू भी इसमें शामिल है? मैंने क्या किया? हम मर जाते तो? मर जाते तो गांव से मुसीबत टल जाती। मेरे भैया का नाम रंगनाथ, वीरा रेड्डी के ऑडिटर थे। ये पालमपुर की जमीन जमींदार ने मेरे भैया के नाम पर की थी। उस जमींदार की लिखी हुई चिट्ठी को बदलकर इस जमीन को हड़पने के लिए वीरा रेड्डी ने एक प्लान बनाया था। वीरा रेड्डी ने हमारी हेल्प की है, इसलिए मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। वो जो भी करता था मैं चुपचाप देख रहा था, लेकिन उसकी वजह से अब एक गाँव बर्बाद होने जा रहा है। अब मुझसे नहीं होगा, मैं खामोश नहीं रह सकता। इस डब्बे के डॉक्यूमेंट्स को पालमपुर गांव लेकर जाएंगे तो उन्हें बचाया जा सकता है। अब ये सब की हमें क्या जरूरत है? अब तक मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। बहन कहाँ है? ऊपर है। दोनों जल्दी बाहर निकलो, चलो। उस वीरा रेड्डी के साथ दुश्मनी, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। हाँ भैया, पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तुम दोनों मत डरो। एक्सीडेंट में मैं तो बच गई, पर मेरे भैया और भाभी नहीं बच पाए। मेरे भैया और भाभी को इंसाफ मिले और वीरा रेड्डी से मैं बदला ले पाऊँ, उसके लिए इस गांव से बेहतर जगह कौन सी हो सकती थी? इस महीने की 28 तारीख को कोर्ट की सुनवाई है। वो लेटर किसी भी तरह कोर्ट पहुंचा नहीं होगा। वीरा रेड्डी के घर से वो डब्बा लाने का काम तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं कर सकता, ये मुझे पता था। इसलिए हम सब ने मिलकर ये प्लान बनाया। तो ये सब प्लान था?
मौका दिया, पूरे गांव ने मिलकर हमें। असल में ये प्लान किया किसने? कौन है वो बताओ? शेखर का प्लान। शेखर का प्लान। तुम्हारे कारनामों की वजह से पूरा गांव मुसीबत में था, पर पहली बार तुम्हारी वजह से सबको अच्छा लग रहा है। हर इंसान में अच्छाई होती है, जरूरत इस बात की है कि उसे सबके सामने लाया जाए। सच्चा इंसान वो नहीं है जो सिर्फ अपने लिए जीता है, अगर दूसरे के लिए कुछ कर सको तो इस जीवन का अर्थ है। ए, कल तक गांव वाले तुम्हारे खिलाफ थे, लेकिन आज इन्हीं लोगों ने तुम्हें बचाने के लिए गुंडों तक का सामना किया है। अब तो समझ जाओ। जब तुम्हारे दादाजी तुम्हें यहाँ लाए थे तो तुम्हारी दादी ये सोचकर दुखी होती थी कि सब तुम्हें गाली देते हैं, और अब देखो राम लक्ष्मण की तरह तुमने इस गांव को बचा लिया। हमें समझ में आ गया, हम भी अच्छे बच्चे बन जाएंगे। प्रेसिडेंट जी, क्या हुआ? क्या हुआ? वीरा रेड्डी है ना, वो आदमियों को लेकर यहाँ आ रहा है। बुला ले, कितने भी आदमी आते होंगे देखते हैं। गांव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जान भी दे देंगे। लाठी तलवार चाकू जो मिले साथ लेकर चलो, बेल्लमपल्ली गांव में कोई भी जिंदा ना बचे। सब चलो चलो चलो, आ जाओ, चलो 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 चलो, छोड़ेंगे नहीं आप किसी को, चलो चलो चलो। क्या हुआ? इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? इन सब की वजह मेरी बहन गौरी है। आगे से हट जाओ। गलती आपने की है और सजा उन्हें देने के लिए जा रहे हैं भैया। ये कैसी बातें कर रही हो? उन्होंने हमें धोखा दिया है। वीरा रेड्डी की ताकत, उसकी शक्ति, इज्जत, उसका गुरूर क्या है, उन्हें पता चलना ही चाहिए। आज मैं उन्हें दिखा के रहूंगा। इनकी वजह से आप खुद को बलवान समझते हो, पर वो लोग तो हमारे घर में आए और इनमें से किसी को पता नहीं चला। उन लोगों ने आप सबको उल्लू बनाया, लेकिन आपका बल तो कुछ कर ही नहीं पाया। आप अपने गुस्से की वजह से किसी की जान ले सकते हो भैया, पर जीवन नहीं दे सकते। उन्होंने आपको धोखा दिया, इसलिए आप सोच रहे हैं कि आपकी इज्जत कम हो गई। लेकिन ऐसी इज्जत का क्या फायदा? आप जिस चीज पे गर्व करते हो वो तो कुछ अब रहा ही नहीं। बस एक चीज अब तक बची है, वो है आपके अंदर का इंसान। अभी आप गांव के लोगों को मानने नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने अंदर के इंसान को। ये सब गलत है भैया। गौरी, आज तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं उनका खून बहा के रहूंगा। आप खून देखना चाहते हैं ना? अरे गौरी, ये क्या किया तूने? अरे तू पागल हो गई है क्या? देख लीजिए भैया, जिससे प्यार करते हैं उसका खून बहता है तो कितना दुख होता है। मैंने कभी आपको सिर्फ भैया नहीं समझा, अपना पिता भी माना है। गौरी, ये क्या है? आप एक अच्छे इंसान हो भैया, आप किसी से कितना प्यार कर सकते हैं ये मैं जानती हूँ। अपना ये प्यार सबको दिखाओ भैया, तब आपकी नजर में हर इंसान गौरी जैसा होगा। और मुझे विश्वास है कि आप ऐसा कर सकते हैं। कैसी बातें कर रही है तू? मैं जो कुछ भी करता हूँ तेरे लिए ही तो करता हूँ। तो फिर मेरा एक काम कीजिए भैया, उनकी जमीन उन्हें दे दीजिए। सर, हमारे हिसाब में गलती हो सकती है,
लेकिन हमारी गौरी के मामले में गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, आप हमें तनख्वाह देते हैं इसीलिए हम आपको भगवान समझते हैं, और अब जब आप इन्हें जिंदगी दे देंगे तो हाँ भैया, गौरी हम सबके हाथों में पली बड़ी है, इसीलिए इंसान की अहमियत इसे पता है, पर हम सब वैसे नहीं पले बढ़े, इसीलिए अब हम सब गौरी के हाथों में ही पलेंगे भाई। अब तक मैंने बहुत सी गलती की है, पर गौरी की वजह से आज मेरी आंखें खुल गई। मेरी वजह से तुम लोगों पर आज तक बहुत सारे अन्याय हुए हैं, पर अब मैं पुलिस के सामने सरेंडर करूंगा।